रानी विद्या धरनी। कहिए महाराज। अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? जो महाराज, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और कहे बिन रह भी नहीं सकता रानी। क्यों महाराज? आज दरबार में कुछ ऐसा वाक्या गुजरा है महाराज। हाँ, आज ऐसी भी क्या बात हो गई? आज दरबार में ये समझो रानी के बस अनर्थ ही हो गया। महाराज क्या हो गया? दरबार में दो साधु आए हुए हैं। अरे तो महाराज, साधुओं को आना तो बड़े शुभ की बात होती है, उनको जलपान कराओ, भोजन कराओ। रानी ऐसे साधु नहीं है, उनके साथ में एक शेर भी है। और महाराज, आज तो आपकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे कि आज आप कुछ रोए हो, और आज दरबार से इतनी जल्दी? मैं तो पता नहीं रोध हो करके अपने आप को कैसे संभाल पा रहा हूँ, लेकिन जो बात दरबार की मैं तुम्हारे सामने बताऊंगा उसे सुनकर के या तो तुम पत्थर में सिर मारोगे या तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आज आपको पता नहीं है कि महाराज हम रानी किसकी हैं, और दूसरी बात ये कि हम बेटी किसकी हैं, और तीसरी बात ये महाराज छत्राणी है छत्राणी। कहिए अपनी बात। मैं भी उनसे साधुओं से यही कहता था कि मैं छत्री हूँ मैं छत्री हूँ, लेकिन मैं भी उन्होंने ऐसा मुर्गा मना दिया और मुझे ऐसा लगा तू भी छत्राणी पत्राणी कुछ नहीं रहने की है। मेरी बात सुनकर सुन ले बात, अगर पत्थर का तेरा दिल हो तो मैं सुनाऊं और ना हो तो ना सुनाऊं। हाँ महाराज कहिए क्या बात होगी। सुनिए, विद्या धरनी दरबारा मैं दो साधु जी आए, दो साधु जी आए दान दक्षिणा दो संतों को, भला इतने क्यों घबराए, दान दक्षिणा दो संतों को, इतने क्यों घबराए। हाँ तीन बचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करा, भोजन जी मादियो आदरते मन में कौन मलाल करा, भोजन जी मादियो आदरते मन में कौन मलाल करा, मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी मन नहीं बात का ख्याल करा, किसे बात बताओ साजन क्यों जीने जंजाल करा, किसे बात बताओ साजन क्यों जीने जंजाल करा, तेरा लाल करा आज दान मने तो। महारानी किसको दान मैं कर दिया हमारे लाल? को उन संतों को दान कर चुका हूँ अपने हाथों से। तुम्हें पता है कि मेरे वचन कैसे हैं महाराज? और ऐसा, बचन ऐसा मत कहिए महाराज, हमें भी कहने ने दीजिए कुछ। क्या कहना चाहती हो महारानी? किसको दान कर दिया हमारा लाल और हमारे? उन संतों को दान कर चुका हूँ। तो महाराज हमारे लाल का क्या करेंगे वो संत? ये नहीं मैं कह सकता कि क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अपने लाल का तू आखिरी बार मुंह देख ले महल में जाकर के, आज के बाद में तू अपने लाल का मुंह नहीं देख पाएगा। ये आखिरी क्षण है महारानी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। हमारा इकलौता लाल है महाराज,
कहना क्या चाहते हैं? लाल करा तेरा दान दीप महलों के आज बुझाए, कैसी है बीरह में संत और कौन से वचन भराए, जैसे बीरह में संत और कौन से वचन भराए। हाँ विद्याधरनी तो साधु जी आए, दान दक्षिणा तो संतों को इतने क्यों घबराए, दान दक्षिणा तो संतों को इतने क्यों घबराए। एक शेर साथ में ले रे से, एक शेर साथ में ले रे से, न्यू बोले इसे जिमा दो। तो महाराज उनके पास में एक शेर है, बहुत ही मरियल सा शेर, कहते हैं कि कई दिन से भूखा है, इसने धड़का भी नहीं है ये, और आज इसे भोजन जरूर चाहिए। तो महाराज हम महाराज आप शिकार खेलने के लिए तो जाते हैं, किसी जंतु का मांस लेके उनके शेर को जिमा दीजिए। नहीं महाराज। और महाराज अब हमें डर लगने लगा है महाराज, कोई अनर्थ ना हो जाए महाराज। वे कहते हैं कि हमारा शेर किसी जंतु का मांस नहीं खाता, वो तो नरभक्षी है नरभक्षी, ऐसा वैसा शेर नहीं है महाराज। मुझे भी बताने में डर लग रहा है तेरे से, पता नहीं तू सुन पाएगी या नहीं। एक शेर साथ में ले रे सैनू बोले इसे जिमा दो, लेके किसी शिकारी थे दिक, लेके किसी शिकारी थे जंतु का मांस खिला दो, लेके किसी शिकारी थे बोले वे तो न्यू बोले रानी, मैं कहता हूँ बहुत घबरा रहा हूँ, न्यू बोले सुत धीर धज को मारे सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज, महारानी उन्होंने जो कहा नहीं महाराज, वो मैं तुम्हें सुना दिया। नहीं महाराज, उनका यही कहना है। नहीं महाराज, मैं पहले सोच रहा नहीं महाराज, फिर वो साधु नहीं है महाराज, वो हमारे पुत्र के हत्यारे हैं महाराज। नहीं महारानी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, जो द्वारे पर आता है उसको हत्यारा नहीं, वो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि भी देवता के समान होता है, उनके लिए कोई कड़वी वाणी मत बोल देना, नहीं तो गृहस्थी का असली धर्म घट जाएगा महारानी। अब उनकी ऐसी इच्छा है, अब तू बता के क्या करूं और क्या ना करूं, तेरी इच्छा है। न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। मारे कल शादी के ढोले बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए, हल्दी मटना उतरा ना बहू, हल्दी मटना उतरा ना बहू, बैठी मुद बिकाए, हल्दी मटना उतरा ना बहू, बैठी मुद बिकाए। हाँ विद्या धरनी दरबारा मैं तो साधु जी आए, इतने क्यों घबराए।
महारानी, संतों ने मेरे से तीन वचन लिए हैं। एक वचन में तो पुत्र धीरधज को उसके मांस को अपने शेर के लिए मांग लिया, लेकिन दो वचन और हैं, अगर कहे तो उसको भी सुना दूं और नहीं तो मैं उनको ना बताऊं। पर ऐसा सुना दे दे। आन्यु बोले खुद सुत को चीरो, आन्यु बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा मेरा हाथ कल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करा मेरा हाथ कल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करा जो आंख से आंसू तो शेर न जी मैं मारा, सुन सुन के थर बात पिया तन थर थर कांपे सारा, सुन सुन के थर बात पिया तन थर थर कांपे सारा, मन हाथ पैर उनके जोड़ लिए थे, हाथ पैर भी जोड़ लिए वे हल्ले नहीं हिलाए, इन हाथों से कैसे चीरू, इन हाथों से कैसे चीरू, बता जिनसे गोद खिलाए, इन हाथों से कैसे चीरू, जिनसे गोद खिलाए। तो समझ गया कि आज मैं बहुत बड़ी गलती करी है और अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करी है आज, कि जो मैं उनको बिना सोचे समझे वचन दे दिए। लेकिन इसमें अब मैं तेरे से एक सलाह गुप्त करना चाहता हूं। तू एक काम कर, जा करके दरबार में ये कह दे, पुत्र पर आधा हक मेरा भी तो है, मैं अपने पुत्र को नहीं देना चाहती। मैं कहूंगा भाई आधे को मैं कैसे दे सकता हूं, और फिर मैं ये कहूंगा कि मेरे से अपना शेर जिमा लो। लेकिन वो ये कहने लगे थे, मैं पहले भी कहा था कि मैं जाना चाहता हूं शेर की भेंट में, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर कहूंगा, बार बार विनती करूंगा कि मेरे शरीर से अपना शेर जिमाओ। चल तू दरबार में चल, चल करके नाट जा, मेरी समझ में ये बात आ गई है, हम अपने बेटे को नहीं देना चाहते, हम अपने कुल का दीपक नहीं बुझाएंगे, आ जा। नहीं महाराज, नहीं चलते फिर? नहीं महाराज, पुत्र भी नहीं देती, दरबार में जाकर के नाटती भी नहीं, तो अब करूं क्या मैं, ये तो बता। आज एक बात को बताता हूं, इन दोनों कामों में से एक कर दे, नहीं तो मैं कटारी मार करके यही मर जाऊंगा। मैं नहीं महाराज, ये बात जरूर है कि आज पुत्र में से और पति में से तुझे केवल एक ही चीज मिलने वाली है महारानी। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि तू कौन सी चीज को का बलिदान आज करना चाहती है। नहीं महाराज, मेरी बात सुन ले, हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए महाराज। तो पुत्र देने के लिए तैयार है या पति देने के लिए तैयार है? महाराज, आपको अपने ये वचन पूरे करने होंगे महाराज। तो ठीक है, आपको अपना ये धर्म निभाना होगा महाराज, क्योंकि महाराज जो खून आपकी रंगों में है महाराज, वही खून हमारी रंगों में भी है महाराज, हमारी रंगों में भी है महाराज। लेकिन महाराज हमारे हाथ में पांच उंगली है महाराज, जिस उंगली को भी काटोगे महाराज उसी में ही दुख होगा। आप जाए चाहे बेटा जाए महाराज, बात तो एक ही है, पर दोनों में से यदि आप चुनने के लिए कहते हैं तो महाराज हम आपको ही चुनेंगे, क्योंकि महाराज यदि आप जीवित रहेंगे
नहीं हो जाएगा महाराज, आप ऐसी कड़ी शर्त मत लगाइए। फिर भी सोच लो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। भर लिए बचन भूल मैं तू बेशक नाचिया रानी, मैं पति वरदा नारी सजन ना करू धर्म की हानि, मैं पति वरदा नारी सजन ना करू धर्म की हानि। तो जाके उस टाइम भी पूछ लिए घर बैठ से बहुयानी, टक्कर मारी मरेगी वहां तो दिख खोवेगी जिंदगानी, टक्कर मारी मरेगी वहां तो खोवेगी जिंदगानी। हाँ गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोहने, गुरु जय सिंह कहे ये दानी वीर सताए, धर्मपाल सतपुरुषों की कथा जग पर लो तक गाए, धर्मपाल सतपुरुषों की कथा जग पर लो तक गाए। हाँ विद्या धर्मी दरबार में दो साधु जी आए,